ये आपको इस टाइप से की मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है, ये आप भी बनवा सकते हैं। तो वॉइस असिस्टेंट का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, सारे के सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएं तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं ओल्ड डोर पे क्लिक करके। इसके साथ में यहाँ पर आपको एक रेड सिंबल देखने को मिल रहा होगा, तो जिससे आपको पता रहे कि कुछ स्टीयरिंग में मिस फॉल्ट है या फिर इंजन में है या फिर बैटरी में मिस फॉल्ट है। ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आपकी गाड़ी का इंजन टेम्परेचर बिल्कुल हाई चला गया है तो वो भी आपके इंजन के लिए अच्छा नहीं होता है। आप कहीं पर थोड़ा सा वेट कर लें, गाड़ी को आइडल रख के 15-20 मिनट का ब्रेक लें। गाइज, ये है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस मॉडल, और आज डेल्टा प्लस के MID और सिस्टम को हम रिव्यू करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हमको इसकी MID में मिलती है और इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर मिलती है। सो हे गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेल, ये है फ्रॉन्क्स की MID डेल्टा प्लस की, और यहाँ पर ये है इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आप इसका टॉप एंड ट्रिम लेते हैं तो वहाँ पर डिस्प्ले साइज़ बड़ा हो जाता है। तो अभी हम डेल्टा प्लस के स्टीरियो की बात करेंगे और साथ में MID सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो की हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, इस टाइप से ये की है, की भी ये मॉडिफाई करवाई है। एक बार मैं लाइट्स यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। ये आपको इस टाइप से की मिलती है जो काफ़ी अच्छी लगती है, ये आप भी बनवा सकते हैं आपके नियरेस्ट की शॉप में जाके, तो वो आपको बना के दे देंगे और ज़्यादा खर्चा नहीं आता है इसमें, आराम से ये ईज़िली बन जाती है इन बजट। तो यहाँ पे हमने जस्ट एक सिंगल पॉइंट स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे ये इंफोटेनमेंट स्टार्ट हो चुका है, सुजुकी का लोगो आ चुका है, और इसके बाद में हम सेकंड की प्रेस करते हैं तो ये हमारा जो मेन सिस्टम है वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है MID का, एंड गुड इवनिंग लिखा हुआ आ चुका है। साथ में स्पीकर्स भी स्टार्ट हो गए थे तो अभी हमने जस्ट म्यूट कर दिया है। अब यहाँ पर डेल्टा प्लस के अंदर हमको स्टीयरिंग रिमोट मिलते हैं, यहाँ पर ब्लूटूथ की सेटिंग मिलती है, क्रूज़ कंट्रोल हमको यहाँ पर कंपनी से नहीं मिलता है, टॉप एंड के अंदर मिलता है। इसके अलावा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और ये MID मिलती है। MID की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमको स्पीड शो होती है, 220 किलोमीटर पर आर की स्पीड यहाँ पर शो होती है। अगर आपने गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, ड्राइवर सीट बेल्ट, तो यहाँ पर ये आपको शो करेगा। जैसे ही आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो ये लोगो भी हट जाता है। इसके साथ में ऊपर आपको स्टीयरिंग का लोगो नज़र आ रहा होगा, जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा ना तो ये सारे लोगो हट जाते हैं। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आइडियल कंडीशन में रखते हैं तो जितने भी इंजन चेक लाइट के सिंबल्स हैं वो सारे हट जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये जितने भी चेक लाइट्स हैं वो चेक कर लेता है ECM, तो सारी लाइट्स को हटा देता है। इनकेस अगर कुछ दिक्कत आती है तो ये सिग्नल्स वर्क करते हैं, जलते रहते हैं, तो जिससे आपको पता रहे कि कुछ स्टीयरिंग में मिस फॉल्ट है या फिर इंजन में है या फिर बैटरी में मिस फॉल्ट है, तो वो आपको ये ECM बता देता है MID के अंदर। तो ये सारा ECM वगैरह ECU का काम होता है जो आपको सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन MID पे शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी का सिंबल है, इंजन का सिंबल है, अगर इंजन में कोई मेल फंक्शन होता है तो लाइट्स वगैरह यहाँ पर जलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हमको ये मिलता है RPM मीटर जो 8000 RPM तक हमको रीडिंग शो करता है, और यहाँ पर ये रेड सिंबल है हैंड ब्रेक का, क्योंकि अभी गाड़ी का हैंड ब्रेक इंगेज है तो यहाँ पर ये रेड आपको यहाँ पर सिंबल नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा बीच में आपको ये मिलती है TFT डिस्प्ले, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमें बताती है गाड़ी के बारे में, तो यहाँ पे वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर दो नॉब्स मिलती हैं, ये नॉब आपको यहाँ पर मिल रही है और एक नॉब आपको यहाँ पर मिल रही है। सबसे पहले इस नॉब से हम आपको स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ हमको इसके अंदर फंक्शन मिलते हैं। यहाँ पर इस नॉब को मैं जैसे ही सिंगल टाइम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे रेंज बताता है ये, जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल है उसमें ये कितनी गाड़ी चल सकती है, तो 290 किलोमीटर ये चल सकती है। इसके अलावा जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो करंट स्पीड और करंट ड्राइविंग के हिसाब से आपका माइलेज क्या निकाल रही है गाड़ी, वो यहाँ पे ये शो करता है। तो अभी तो गाड़ी आइडल खड़ी है, अभी स्टार्ट भी नहीं है तो ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा अभी गाड़ी एवरेज कितना दिया है गाड़ी ने ये ट्रिप में, जो भी आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई है या फिर 50 20 30 किलोमीटर जितनी भी गाड़ी चलाई है तो उसमें एवरेज क्या निकाला है वो यहाँ पे ये शो करेगी। लास्ट टाइम जब गाड़ी को ड्राइव किया है तो 15 का एवरेज इस गाड़ी ने दिया है। तो इसके अलावा यहाँ से आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करके। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक नॉब मिलता है जिससे आप ट्रिप वगैरह चेक कर सकते हैं, तो ये मैंने सिंगल टाइम प्रेस किया तो यहाँ पे हमें टोटल इसके किलोमीटर्स बता रहा है, 3743 किलोमीटर इसकी टोटल रनिंग हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर ये ट्रिप ए है और ये ट्रिप बी है, तो ट्रिप ए ट्रिप बी मिलती है और टोटल किलोमीटर्स ये शो करता है इस टाइप से। तो दो नॉब्स हमको यहाँ पर मिलती हैं जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं सेंटर डिस्प्ले की। सेंटर डिस्प्ले में यहाँ पर आपको ये फ्यूल रेंज शो करता है, ये फ्यूल गेज है, जहाँ पर ई का है मतलब बहुत ज़्यादा कम फ्यूल है आपकी गाड़ी में, और जैसे ये ब्लिंक करने लगे तो आप समझ जाइए कि बहुत रिजर्व फ्यूल बचा है आपकी गाड़ी के अंदर, बहुत कम फ्यूल है,
और आपको नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन पे अपनी गाड़ी को फ्यूल अप कराना है। और एफ़ का मतलब होता है फुल टैंक है गाड़ी, बिल्कुल भरा हुआ है टैंक, एंड आपको कोई भी चिंता नहीं है, आप इस गाड़ी को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये इंजन टेम्परेचर बताता है। अभी देखिए गाड़ी बिल्कुल आइडियल पोजीशन में खड़ी हुई है एक दिन से, तो यहाँ पे इंजन टेम्परेचर बिल्कुल लो है, और अगर हाई होता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी गाड़ी का इंजन टेम्परेचर बिल्कुल हाई चला गया है तो वो भी आपके इंजन के लिए अच्छा नहीं होता है। आप कहीं पर थोड़ा सा वेट कर लें, गाड़ी को आइडियल रख के 15-20 मिनट का ब्रेक लें, तो आपकी जो गाड़ी का टेम्परेचर है वो फिर से मीडियम पर आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये शो करता है गियर इंडिकेटर, जैसे अभी गाड़ी न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल यहाँ पे ये शो कर रहा है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यूट्रल पे है तो ये न्यूट्रल शो कर रहा है। जैसे ही हम आर रिवर्स मोड इंगेज करेंगे, रिवर्स गियर इंगेज करेंगे, तो आर बना हुआ आ जाता है, और साथ में जो इसके सेंसर्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सेंसर्स भी यहाँ पर दिखते हैं डिस्प्ले पर कि फ्रंट से और रेयर से कोई भी अगर ऑब्स्टिकल आता है तो वो यहाँ पे ये शो करता है। इसके अलावा रिवर्स कैमरा वगैरह तो आपको यहाँ पर ही उसका आउटपुट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर शो करता है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, और जो टाइमिंग है वो यहाँ पर शो करता है, तो 6:55 अभी टाइमिंग हो रहा है तो वो यहाँ पे ही बता रहा है। इसके अलावा हमको ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसके अंदर मिलता है, तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, और यहाँ पे आपको इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन मिल जाता है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है जिसमें आपको 5 तक लेवलिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ये हमको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है डेल्टा प्लस के अंदर। इसके अंदर हमको यहाँ पे एवरेज शो करता है, रेंज शो करता है, जैसे कि MID में शो कर रहा है वैसे यहाँ पर भी ये रेंज बताता है। इसके अलावा ये एवरेज स्पीड भी बताता है, जब आपने पहले गाड़ी को ड्राइव किया है तो कितनी एवरेज स्पीड रखी है, आपने ओवर स्पीडिंग करी तो वो भी बताएगा, फ्यूल इकोनॉमी बताएगा, 15 का एवरेज दिया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक कमाल का फीचर मिलता है डोर अनलॉक का व्हीकल कंट्रोल्स में। अब आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपने देखा होगा जब भी आप मारुति सुजुकी की कोई भी गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं, जैसे ही आपने अनलॉक किया तो सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक होता है, सिर्फ ये डोर अनलॉक होगा, बाकी जो 3 डोर हैं वो अनलॉक नहीं होते हैं। वो सेफ्टी रीज़न के कारण होते हैं कि आपने लॉक डोर को अनलॉक किया और पीछे से कोई भी एक्सेस ना ले गाड़ी का, तो तीनों डोर्स बंद होते हैं, साथ में डिग्गी भी बंद होती है। बट आप जब दूसरी टाइम अनलॉक की बटन को प्रेस करेंगे तब चारों डोर ओपन हो जाते हैं। बट अगर आप इससे भी परेशान हैं, अगर आपको चाहिए कि एक ही बार में बटन दबाऊँ और सारे के सारे दरवाजे अनलॉक हो जाएँ, तो आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, ओल्ड डोर पर क्लिक करके वो चीज़ भी हो जाएगी। इसके अलावा AC मोड वाइल आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन में कैसा आपका AC का वर्क रहेगा, स्टैंडर्ड इकोनॉमी कंफर्ट, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे लेन चेंज विंकर का है, तो ये अभी ऑन है, इसको भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे व्हीकल इन्फो सेटिंग पे हमको अलर्ट्स का ऑप्शन मिलता है, ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो ये वार्निंग देने लगता है, पार्किंग ब्रेक अगर आप इंगेज नहीं करते हैं तो भी ये वार्निंग देता है, व्हीकल अलर्ट देता है, सीट बेल्ट के लिए अलर्ट देता है, IC रोड वगैरह के लिए अलर्ट देता है, और लो फ्यूल के लिए भी अलर्ट देता है। तो अगर आप उसको ऑन करना चाहते हैं तो इस टाइप से ऑन कर सकते हैं, और ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी ये सब चीज़ें ऑफ़ हैं, सिर्फ व्हीकल वार्निंग्स ऑन हैं, तो व्हीकल वार्निंग को आप हमेशा ऑन रखें, जिससे कोई भी इंजन में मिस फॉल्ट होता है या फिर स्टीयरिंग में मिस फॉल्ट होता है तो वो आपकी गाड़ी का ECM ECU आपको बता देगा, तो वो चीज़ आपके लिए एक बेनिफिशियल होती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले रहता है, तो वो सारी कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, और वॉइस असिस्टेंट भी है इसके अंदर। जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर बैठा था तो इसने मुझे ग्रीट करा गुड इवनिंग करके, तो वॉइस असिस्टेंट का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, आप अपना नेम वगैरह भी इसमें फीड कर सकते हैं तो वो आपको अपने नाम से ही ग्रीट करेगा, आपके नाम से, तो वो एक बेस्ट चीज़ है। और मेल एंड फीमेल की वॉइस भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो मीडिया सेटिंग है वो इस टाइप से रहती है, बेस मिड ट्रेबल वगैरह आप इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। इक्वलाइजर प्रीसेट भी है, तो अभी ये फ्लैट पे है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोलर मिलता है, तो रिवर्स वगैरह भी आप जब करते हैं ना तो रिवर्स गियर में जो आपकी गाड़ी का स्टीरियो है वो ऑटोमेटिकली साउंड को कम कर देगा रिवर्स वगैरह करते टाइम, और जैसे ही आप अपना फर्स्ट सेकेंड गियर या फिर P मोड पे गाड़ी को शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका वॉल्यूम का लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो वो वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और बहुत ही बढ़िया स्टीरियो सिस्टम है, सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह आपको इसके अंदर मिलते रहेंगे, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह भी आते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। और सिक्योरिटी पिन का यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप सिक्योरिटी पिन भी लगा सकते हैं जिससे आपका इंफोटेनमेंट आप ही एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इसकी मेजर सेटिंग्स हैं जिनके बारे में वीडियो में हमने बात कर ली है। इसके अलावा यहाँ पे FM है, म्यूज़िक वगैरह आप प्ले करेंगे तो यहीं पे ये शो करेगा, यहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा और आज का डेट क्या है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। और कॉल वगैरह की फंक्शनैलिटीज़ तो इसके अंदर आपको मिलती हैं, तो कॉल एक्सेप्ट कॉल रिजेक्ट आप इजीली कर सकते हैं, अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वॉइस कमांड का फीचर भी आपको यहाँ पर मिलता है, तो आप
मीडिया वगैरह, या फिर फ़ोन आपको किसी को करना है, या फिर रेडियो वगैरह पे ट्यून इन करना है, या फिर व्हीकल कंट्रोल्स को आपको देखना है, तो वो सारी चीज़ें आप वॉइस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइज़ ये थी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस की MID और इंफोटेनमेंट की रिगार्डिंग वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल, और हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।